हमारी जो इंडियन कुजीन है उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो होता है बहुत ज़्यादा फेमस है, और मार्केट में कोई भी या शादी में या कोई घर में त्यौहार हो या कोई गेस्ट आ रहे हों तो वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, और अगर कोई घर में स्पेशल ओकेजन हो तो वो ज़रूर बनाई जाती है। हेलो जी, फैंटास्टिक कुजीन किचन में आप सभी का स्वागत है। किसी भी कुजीन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है या जो भी रॉ मटेरियल होता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो उस डिश की एक अलग ही निखार आ जाता है, उसमें अलग टेस्ट आ जाता है। ये पनीर है ये इंग्रेडिएंट जो कि रॉ मटेरियल भी माना जाता है, लेकिन इसको प्रिपेयर किया जाता है, हलवाई बनाते हैं या घर में बनाते हैं। कई बार हलवाई के पास जो पनीर लेने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, और कई बार जो होता है मटेरियल अच्छा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा दूध यूज़ करते हैं और क्या उसमें टिप्स होते हैं, वो फॉलो करें और अच्छा पनीर बन जाए। तो आज हम पनीर की रेसिपी लेकर आ रहे हैं जो कि हर एक कुजीन जो है वो बहुत अच्छे से उसको यूज़ करता है और डिफरेंट डिशेस बनाता है। तो पनीर कैसे बनाएं, आइए हम देखते हैं। पनीर बनता है दूध से, तो दूध जो है ये हमने लिया है, ये फुल फैट मिल्क है, और कोशिश करना है कि फ्रेश मिल्क हो और अच्छे से इसके अंदर कोई भी टोनिंग ना की गई हो, बिल्कुल प्रॉपर मिल्क, फ्रेश मिल्क। इसको कढ़ाई या किसी भी पैन में लेकर पहले बॉयल करेंगे, और बॉयल करने से पहले जिसमें भी आपको बॉयल करना है, जैसे हमने पतीला लिया है, इसमें आपको थोड़ा सा वाटर ऐड करना चाहिए, सो दैट कि जो हमारा दूध है वो इसके बॉयल करते समय तलवे पर ना चिपक जाए और जल ना जाए। तो हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और अपनी जो हीट है इसकी ऑन कर देंगे, और इसको हमने अच्छे से बॉयल करना है। इसको साथ साथ में हिलाते भी जाना है। 5 मिनट्स में ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, और इसको 12 टू 15 मिनट्स लग जाएंगे बॉयल होने में। ये 1 लीटर दूध है, इसको आपने प्रॉपरली बॉयल करना है और हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे और अच्छे से इवनली गर्म हो जाए। हमने नींबू का रस लेना है। पनीर में अगर हमने दूध 1 लीटर लिया है तो 1 चम्मच हमें नींबू का रस चाहिए। आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, आप विनेगर भी ले सकते हैं। उबल जाने के बाद इसको हमने बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ना है। तो लेमन जो है ये नॉर्मल यूज़ होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। जितना नींबू का रस है उतना ही हमने पानी डालना है, और अगर आप विनेगर यूज़ करते हैं तो अगर आप 1 स्पून विनेगर ले रहे हैं उसमें 4 टाइम्स ऑफ वाटर लगेगा, और उसका ये घोल जो बन जाएगा ये धीरे धीरे करके हमने दूध में ऐड करना है। धीरे धीरे इसमें कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है, और कभी भी दूध जो है ये फटने से पहले जलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जलने की स्मेल आ जाएगी तो वो पनीर में स्मेल रहती है, और वो जला हुआ दूध का जो पनीर बनता है उसकी स्मेल फिर सब्ज़ी में भी रहेगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से एक मसलिन क्लोथ मिलता है, बहुत पतला सा होता है, और दुपट्टे भी होते हैं मसलिन के, मलमल के, तो वो लेना है। और इसको हमने हल्का सा वॉश करके रखा है, बिल्कुल ड्राई नहीं लेना है, हल्का सा क्लीन इसको वॉश कर लेना है, गीला गीला डैम्प रखना है। इस तरह से सारा इसमें फिल्टर कर देंगे, वो अच्छे से इसकी पोटली बना देंगे और इसको हटा देंगे, सारा ऊपर करके सारा पानी इसमें से नीचे निकल जाएगा। ये जो पानी है ये रिच प्रोटीन सोर्स है, इसकी फर्दर जो है हीट कम करने के लिए, और दूसरा बात कि इसके अंदर जो हमने नींबू का रस डाला है उसकी नींबू की खटास ना रहे, इसके लिए हमें इसको ठंडे पानी में डिप करना है। अच्छे से इसको टाइट करके हम इसी कपड़े के साथ इसको बांध देंगे, इसके ऊपर एक वेट रखेंगे ताकि जितना भी इसमें पानी है वो निकल जाए और इसकी फॉर्मिंग हो जाएगी, एक प्रॉपर शेप बन जाएगी। ये देखिए 10-15 मिनट्स के बाद ये हल्का सा सॉलिडिफाई हो चुका है, इसको खोल लेते हैं, और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छा सा पनीर जो है हमारे पास मिल गया है। इसको हमने अब प्रॉपर और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और क्रीमी हो जाए तो इसलिए ठंडे पानी में डाल कर रख देना है। जब भी हमको पनीर को प्रिजर्व करना होता है अपने घर में 2-3 दिन के लिए, तो उसको हमने ऐसे पानी में डाल कर रखना है ताकि इसकी जो फर्मनेस है वो भी बनी रहे और इसकी फ्रेशनेस बनी रहे। बहुत ही सॉफ्ट और मलाईदार पनीर बना है हमारा, और इसी तरीके से आप पनीर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा यमी और हेल्दी होता है पनीर, ज़रूर खाना चाहिए। तो ये हमारा बन गया पनीर, जो कि इंडियन कुजीन की हर एक ऐसी रेसिपी में उसकी जान होता है। जब भी कोई आपकी पार्टी होगी आपको पनीर की एक डिश ज़रूर मिल जाएगी। आज हमने देखा कि घर में आप पनीर कैसे बना सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
और शेयर करिए हमारे चैनल के लिंक को ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलती रहे। स्टे सेफ, स्टे कूल, स्टे हेल्दी।